आप सभी लोगों से
किसी भी तरह का कोई भी गिलवर्क को हमारे फिल्म में आपका प्रतिबंध हुआ हो तो मैं आपसे समय आना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है आप हमें क्षमा करेंगे। बोल बाबू सब पंचमी आ जाएगी जब कार्यक्रम निर्धारित हो गया उसके बाद हमारे कमलजीत सुराना का मेरे पास में फोन आया कि अजय है ये हम लोग वहां पहुंच जाएंगे अपने प्रोग्राम के हिसाब से 20 तारीख को और 22 तारीख को पंचमी है एक दिन के लिए अगर हम पंचमी छोड़ते हैं तो अच्छा नहीं रहेगा क्यों हम इस बार की भागवत शुक्ल पंचमी को चूरू धाम में मनाते हैं। ये बाबू साहब भगवान की कृपा ही रही है कि भादव शुक्ल पंचमी आज हम चूरू धाम में पैदल यात्री यहाँ पर आए हुए हैं। लगभग 270 किलोमीटर की यात्रा करके ये पैदल यात्री परसों रात को ही चूरू धाम पहुंच गए थे। परसों रात को बाबू साहब भगवान के दिव्य स्थल में बाबू साहब भगवान की विशाल प्रतिमा के चरणों के तले चरणों की छाव में हम सभी ने अपनी रात बिताई। कल आप लोगों ने देखा कलेक्ट्रेट में बाबू साहब भगवान के भक्तों द्वारा निर्मित भवन का लोकार्पण हुआ और शाम को यह ध्वजा बाबू साहब भगवान को समर्पित की गई। यदि आप इजाजत दें तो मैं पैदल यात्रा की कुछ बातों का यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा और उसके बाद हम भजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बाबू साहब भगवान के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। तो एक दिमाग में ये बात थी कि आज अजय भाई जी उम्र कहे में तो छोटा मोटा कार्य में दिल्ली से कहा जाना है जो करीब 270 किलोमीटर के लगभग हो जाता है तो मेरा मन गवाह नहीं कर रहा था कि मैं अजय भाई जी को कहूँ या पैदल यात्रा करें लेकिन दबाव इतना आ रहा था कि फिर मैंने बात डालने की कोशिश करी कि चौमासा का टाइम है देखो अंतरात्मा से डर लगता है इस समय सांप है बिच्छू है और चौमासे में आदमी यात्रा कम से कम लोग करते हैं तो ये भी दिमाग में बात थी तो कह नहीं पाया। मैंने खाली पवन जी को कहा कि मैं अपना मशवरा दे सकता हूँ कि यात्रा को एक महीना आगे करें लेकिन अजय भाई जी का एक कल्पना थी एक विश्वास था श्रद्धा थी एक जुनून था कि हमें करना है तो फिर मेरे को भी छुपना पड़ा। मैं भी उनके साथ हो गया ठीक है भाई आप शुरू करो जितना होगा हम लोग आपके साथ हैं। अजय भाई ने यात्रा शुरू की और उनका मुझे ध्यान है जहाँ तक उनकी ये कही हुई थी प्रतिज्ञा थी कि मेरा ऐसा होने से मैं ऐसा करूँगा। तो अजय भाई जी को मैंने देखा हम जब सांबला पे गए इनकी अगुवाई के लिए तो किसी भक्त से मतलब इतना खुशी थी भक्त के कि इनका पैर पे पैर रखा गया खुशी से जब गाड़ी से उतरे तो कोई सदस्य का पैर पे पैर रखा गया। अब इतनी दूर से चले आ रहे थे चमड़ी मुलायम थी पूरा का पूरा नखून उतर गया पूरा नखून मतलब ऐसे था हम लोगों ने की जो भी करना था किया लेकिन अजय भाई जी का जितना भी कहूँ एक प्रतिज्ञा है अगर उसमें विश्वास हो और प्रतिज्ञा हो विश्वास हो तो वो पूरा होता है। अजय भाई जी ने करके दिखा दिया कि मैं चाहूंगा तो इस उम्र में करना इतना और मैंने कई जगह देखा रास्ते में अजय भाई जी को कहा कि भाई जी अभी राम दे दो देखो हम बाबू साहब के भक्त हमारा सिद्धांत यही है कि जिस समय जो आवश्यकता होती है अपने आप को उसी मोड में निकाल लेते हैं। भाई जी को मैं कई दफा कहा यहाँ जब राजगढ़ आ गए कल प्रोग्राम था कलेक्ट्री में तो मैंने अजय भाई जी से रिक्वेस्ट की कि भाई जी अब आप गाड़ी में बैठ जाओ क्यों कल बहुत बड़ा प्रोग्राम है प्रशासन के सारे सदस्य आ रहे हैं सारे अभी प्रशासन के सभी लोग आ रहे हैं उस समय अपने बाबू साहब की गरिमा को आपको बताना है तो आप आराम करने लेकिन अजय भाई जी ने कहा नहीं भाई जी आप तो मंदिर दूर से ही चूर दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे भक्तों के लिए मैं नमन करते हुए और जी शायद कुछ वी आई पी आदमी को हमारे लिए तो वी आई पी है
लेके आ गए हैं, मैं अजय भाई जी से कहूंगा उन्होंने सेवा दी है रास्ते में, उनके बारे में अजय भाई जी बताएं। दोस्तों इस यात्रा ने मैं उनका भी धन्यवाद करूं, उसके पहले जो बात मैं कह रहा था कि आग का काजल दिखाई नहीं देता है, कोई आदमी जब बहुत प्यारा हो जाता है तो कई बार हम उसी को सबसे पहले भूल जाते हैं। यात्रा में सबका सहयोग रहा, सबका रहा, लेकिन लगातार 3 दिन तक परम आराधिका मंजू भाई साहब हम यात्रियों की सुन लेती रही, प्रकाश भाई और मंजू भाई साहब जहां भी हम पहुंचे, लेकिन ज्योति मीडिया और पवन जी के 28 चल रही थी, यानी 8 दिनों की तपस्या चल रही थी, उसके बावजूद भी भाई साहब और भाई जी यात्रा में 3 दिन तक लगातार हम लोगों की सुन लेते रहे। हम लोगों ने बाद में मना किया, भाई जी बार बार आना जाना इतनी दूर संभव नहीं है, आप कृपया मत आइए, लेकिन ये 3 दिन तक लगातार सुन लेते रहे और यात्रा में हर 2-4 घंटे में हमारी खबर लेते रहते थे, अभी कहां पहुंचे, क्या हाथ है, सबकी तबीयत ठीक है, भाई साहब का आशीर्वाद और भाई साहब की आशीर्वाद और प्रकाश भाई जी, इन दोनों ने पूरी यात्रा में हमारी सुध लेते रहे, इनके लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। आभार सब बहुत छोटा है लेकिन इससे बड़ा सब मैं जानता भी नहीं हूँ, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ इनके लिए। और अभी हमारे बीच में आदरणीय श्री सुरेंद्र जी, सावरमजी शर्मा भी आ गए, सुरेंद्र जी की फैमिली आए यहाँ श्री सभा, सुरेंद्र जी गए पहुंची आ रहे, तब तक हम एक भजन गा लेते हैं और सुरेंद्र जी आएंगे तो उनकी बात हम करेंगे, तो सुरेंद्र जी आएंगे, बोलिए बाबू साहब भगवान ने बोल चू नरेश की किला को दरबार है इस जहां में, ऐसा दरबार कोई नहीं है, किला को सरकार है इस जहां में, ऐसी सरकार कोई नहीं है। ये दरबार प्यारा प्यारा आपको लगता है तो आप भी मिलके कहेंगे लाखों दरबार
सब की भरती यहाँ पे ऐसा तालाब कोई नहीं है सो गए रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी सोए।
बाबू साहब ने जिंदगी के हर रंग दिखा दिए इस यात्रा में और लेकिन लास्ट में राजगढ़ के पहले सिरसवा एक गांव है वहां पर हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी न कोई धर्मशाला न कोई होटल पवन जी और सुरेंद्र जी दादा सुरेंद्र दादा ये है नहीं वो यात्रा में बहुत सहयोग दिया उन्होंने हमारा उनका नाम लेना मैं भूल गया ये दोनों सिरसवा गांव में घूम रहे थे कि इन पैदल यात्रियों को कहां घुमाएंगे मेन रोड पर ये घूम रहे थे और हमारे सुरेंद्र जी है मेन रोड के ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी जैसी ऊंचाई है वहां पर कुछ मकान बने हुए थे और ये मेन रोड से घूमते घूमते बिना किसी कारण के उस पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए और वहां उनकी सुरेंद्र जी से मुलाकात हो गई मैं इस बात का विशेष जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ दोस्तों हमारे घर में एक दिन में हमारे जान पहचान वाले भी दो मेहमान आ जाते हैं तो भारी पड़ जाते हैं सुरेंद्र जी ने वहां पर हम पैदल यात्रियों के लिए अपना घर खोल दिया पूरा घर खोल दिया जहां मर्जी सोइए जहां मर्जी रहिए अपना पूरा घर खोल दिया और उससे भी बड़ी बात मैं जो कहूंगा कि राजस्थान में पानी की कितनी कीमत आप सभी जानते हैं प्यासे को पानी पिलाना भी कई बार भारी पड़ जाता है लेकिन सुरेंद्र जी ने अपने पुण्य के दरवाजे खोल दिए पूरे पैदल यात्री वहां पर खूब जम कर रहा है और खूब आराम से इतना पानी बर्बाद किया सुरेंद्र जी क्षमा मांगते हैं हमारे पैदल यात्रियों से पूरे मोड़ में थे जहां पर कि राजस्थान में पानी पिलाने में तकलीफ होती है वहां इन्होंने दिल खोल के पानी खोला और खूब वहां पर लाए और पूरी व्यवस्था दी पूरी यात्रा के दौरान यही एक पड़ाव था जहां पर कि हम किसी भक्त के किसी के यहाँ पर घर में ठहरे थे और वहां पर इन्होंने हमें पूरी व्यवस्था दी इसके लिए हम सुरेंद्र जी और पूरे परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री रघुवीर जी वर्मा से श्री रघुवीर जी वर्मा कृपया आगे पधारे और इस परिवार के और जितने भी माताएं बहने आई हुई हैं उनसे भी मेरा निवेदन है एक बार आप खड़े हो जाए हमारे शहर की औरतें देखें कि कैसे सेवा सत्कार किया जाता है मेहमान आने से जी नहीं चुराना चाहिए मेहमान का स्वागत करना चाहिए यह हमने सीखा है सुरेंद्र जी के परिवार से यह पूरा परिवार आज बाबू साहब का सम्मान करता है किसी ने कहा था कि भारत का दिल गांव में बसता है और इस यात्रा में हमने महसूस किया कि वाकई हम शहर वाले को सिर्फ ऊपरी दिखावटी वाले हैं भारत का दिल देखना है तो गांव में जाइए ऐसे गांव में आपको सुरेंद्र जी जैसे भक्त मिलेंगे जो कि आपके लिए अपने पलक पांवड़े बिछाए रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी का एक जगह ऐसी आई जहां पर ये व्यवस्था के लिए कुछ आगे पीछे हो गए मनोज जी थे कमल जी थे क्या उस समय गर्म हमारे पानी था लेकिन गर्म पानी हो गया था उस समय भक्तों के मन में आई कि भाई जी अगर कोई ठंडा पानी मिल जाए तो कितना अच्छा हो इधर यह तो दौड़ना हुआ और उधर से गांव का एक आदमी कुछ पानी लेके जा रहा था उल्टी साइड से जा रहा था अपने आप उसने रास्ता हमको आपस मतलब हल्के से बात कर रहे थे गाड़ी दूर थी अपने आप उसने अपना रास्ता मोड़ा और हम लोगों के पास आया और बोला कि आप लोगों को पानी चाहिएगा हमने यार पानी चाहिए तो सही हमारे पास पानी लेकिन गर्म पानी है बोले कि लो हमारे पास ठंडा पानी है और हाथों हाथ हमें वहां पर ठंडा पानी रखा कि भक्तों की इच्छा हुई और बाबू साहब भगवान ने वहां पानी उपलब्ध करा दिया एक स्थान में बताता हूं दोस्तों बहल एक ऐसी जगह थी जहां हमारे पास सुखने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी पवन जी भी चिंतित थे मैंने पूछा भाई जी कोई व्यवस्था हुई क्या बोले अभी तक नहीं हुई हम लोग जो बहल आ रहे थे उसके पहले एक गांव पड़ता है ओबरा गांव आ रहे थे तो वहां पर मैं चल रहा था उस समय अकेला था यात्रा में मतलब हमारे आगे पीछे थोड़े बहुत हो जाते थे तो अचानक से एक मोटरसाइकिल आती है मोटरसाइकिल आके मेरे को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाती है थोड़ी दूर जाके रुक जाती है रुक के वो मोटरसाइकिल जब तक मैं वहां पहुंचता हूँ मेरे को रोकती है बोलो भाई साहब पैदल यात्रा कर रहे हो कई बार होता है टी शर्ट ऐसे ही पहन रहे हो पता नहीं ऐसे ही घूम रहे होंगे मैंने कहा जी पैदल यात्रा कर रहे हैं मैंने कहा हम दिल्ली से चूर जा रहे हैं बोला हाँ ये तो आपकी टी शर्ट में पीछे लिखा हुआ है खाली आप यात्रा कर रहे हैं ये हमने पूछा है ये तो समझ नहीं आएगा कि आप दिल्ली से चूर जा रहे हैं बोले आगे कहाँ रुकोगे हमने कहा ओबरा में रुकेंगे व्यवस्था हो गई वहां पे और देखो अपने आप पूछ रहे उसे क्या मतलब व्यवस्था हो गई वहां पे आगे हो गई उसके बाद कहा रुकोगे मैंने अगले दिन हम बहल जाएंगे बोले बहल की व्यवस्था हो गई क्या मैंने कहा भाई साहब बहल में अभी हमारे व्यवस्थापक देख रहे हैं शायद अभी थोड़ी सी दिक्कत है देखते हो जाएगी तो
بولا بہن کہ آپ کو کوئی بھی ویوستھا چاہیے تو آپ مجھے بتا دینا میں نے ٹھیک ہے جی بتا دوں گا تم کا بتاؤ گے کیسے آپ نے میرا موبائل نمبر دیا تم میرے کو پوچھا بتاؤ گے کیسے آپ نے میرا موبائل نمبر دیا میں نے کہا یہ تو نہیں دیا وہ سوچا کہ چار نہیں ایسے ہی بول رہا ہے بولا لکھو میرا موبائل نمبر میں سوچا یار پون جی تو اتنی ویوستھا کر رہے ہیں دیوالی سے لے کے رات گھر تک ان کا راج چلتا ہے بہن کی ویوستھا تو ہاں پار ہو جائے گی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ بہن کی ویوستھا نہیں ہو لیکن دوستوں ایسا ہوا بہن کی ہمارے پاس کوئی ویوستھا نہیں پون جی نے میرے سے پوچھا کہ بہن جی کوئی ویوستھا ہوئی کیا میں نے کہا بھائی جی کوئی ویوستھا نہیں ہوئی لیکن راستے نے بھی ساتھ میں اپنا موبائل نمبر دیا ہے کہ اگر آپ کو دقت ہو رہی تو اس موبائل پہ فون کر لیجیے گا ہم نے صبح 8 بجے اس ویکتی کو فون کیا 8:30 بجے وہ ویکتی حاضر ہو گیا اور 8:30 بجے اس نے ہمارے لیے پہل کی پوری ویوستھا کری رکنے کی اس نے کہا بھنڈارا کھانا پینا آپ کو جو بھی چاہیے ساری ویوستھا میں کروا کے دوں گا لیکن ہمارے کھانے پینے کی ویوستھا ساتھ میں چل رہی تھی ہم نے کہا کھانے پینے کی ویوستھا نہیں چاہیے انہوں نے رکنے کی بہت اچھی ویوستھا پہل نے ہمارے لیے کر دی اب دیکھیے پہل کے بعد اگلا پڑاؤ بولا وہاں کی ویوستھا ہو گئی کیا سنجوگ سے وہاں کی بھی ویوستھا نہیں بولے چلیے وہاں کی بھی ویوستھا میں کرواتا ہوں اور وہ ویکتی وہاں پر جا کر بھی اس نے ہماری ویوستھا کری یہ ویوستھا جو کہ دو ویوستھا ہم سے نہیں ہو پا رہی تھی وہ ویوستھا بابو صاحب بھگوان نے پتا نہیں کہاں سے اس ویکتی کو بھیجا اور وہ قدم قدم پر ہمیں لگ رہا تھا کہ بابو صاحب بھگوان ہمارے ساتھ میں دوستوں پیدل یاترا ہے ساری تکلیفیں آتی ہے لیکن کئی بار تکلیفیں ایسی تھی کہ لگ رہا تھا کہ اگر بابو صاحب نہیں ہوتے تو ہم ان تکلیفوں سے پار نہیں پاتے ایک کانٹا ٹوٹ جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور یہاں تو پیر میں کتنے سارے پڑ گئے پریشان نہیں ہوئے اس بھجن پہ ہوں باقی باتیں کر رہے اس کے پہلے جب بات آ گئی ہے تو یہ 4 لائن اس بھجن کی گاتے ہیں اور اس کے بعد آگے کی بات کریں گے بابو صاحب بھگوان کی جب اپنے چھالوں کو دیکھتے تھے تو بھجن کی لائنیں یاد آتی تھی چلو بلاوا آیا ہے بابا نے بلایا بابا نے بلایا ہے بابا نے بلایا ہے چلو بلاوا آیا ہے بابا نے بلایا ہے چلو بلاوا آیا ہے بابا نے بلایا ہے چلو
كش بيار سے بابو صاحب ملاتا ہے جس دن بابو صاحب درسن ہو گا اس دن سفر میرا سبحان الله من بھاون ہونا جس دن بابو سا تیرا درسن ترجمة
Thank you.
आपके चरणों में आकर जीवन की सबसे बड़ी खुशी हमें मिली है बाबू साहब। शांति मुझे ना मिले, छोड़ दे। बोल बाबू